सिद्धार्थ नगर के जिला अस्पताल के सभागार में नववर्ष बधाई समारोह मनाया गया, जिसमें जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक सहित सभी चिकित्सक, फार्मासिस्ट और सभी कर्मचारी ने नववर्ष समारोह में हिस्सा लिया। सिद्धार्थ नगर के जिला अस्पताल के सभागार में नववर्ष पर बधाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक, फार्मासिस्ट व सभी कर्मचारियों ने नववर्ष समारोह में हिस्सा लिया। जिला चिकित्सा अधिकारी को बुके देकर नववर्ष की बधाई दी गई। फार्मासिस्ट संघ के अध्यक्ष श्री गोविंद ओझा ने अपने गायन के माध्यम से सभी को प्रेरित किया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से धर्मवीर गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार पर आरोप लगाकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कई कांग्रेस नेताओं ने उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में धरना देकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सूबे की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार ने राज्य में कोहराम मचाया हुआ है। जितनी भी योजनाओं को पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किया गया था, सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया गया है। जो सरकार की वो जिले से आए हुए हमारे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी ने अपने चुनावी समर में फाइलों में जंग खा गई है, फाइलें पड़ी हुई है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मेरा आप सभी लोगों के ये हमारे तीन लोगों ने जो मार्च में गन्ना तोला था, मार्च में इनके कथनी और करनी में बड़ा भारी अंतर है। इन्होंने हमको लोकपाल नहीं बनाने दिया। केंद्र सरकार की साजिश पर हमने जो लोकायुक्त का पैनल भेजा था गवर्नर के पास, उसको मंजूर नहीं होने दिया। और आज एक साल बीतने को आ रहा है और राज्य को लोकायुक्त नहीं दे रहे हैं, उसका विधेयक पारित नहीं करवा रहे। और अब मुझे पता चला है कि मीडिया की एंट्री सेक्रेटेरिएट में भी बाधित कर दी गई है और जिलों में भी कह दिया गया है कि किसी भी सर्कुलर को जो है मीडिया के साथ साझा न किया जाए। ये गैर लोकतांत्रिक है, हम इसकी निंदा करें। पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल पर बैठकर चालान काटने को लेकर आज सिटी बस चालक एसोसिएशन के अध्यक्ष विजयवर्धन डंडियाल ने कहा कि उन्होंने RTI के माध्यम से जानकारी निकालते हुए मालूम किया है कि पुलिस विभाग द्वारा जिन मोटरसाइकिलों को पुलिस कर्मी चला रहे हैं उनका लाइसेंस प्राइवेट ना होकर कमर्शियल होना चाहिए, जो कि नहीं है। लाइसेंस का ऐसा है कि ये तो मैंने जब ये परिवहन कार्यालय से मांगा था मुख्यालय में, तो उनके द्वारा साफ स्पष्ट नीति है शासन की कि कोई भी ड्राइवर होगा चालक सरकारी वाहन में, उसके पास कॉमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए। और वो नियुक्ति से जब वो नियुक्ति करेगा उससे पहले 3 साल पुराना होना चाहिए ताकि उस पर एक्सपीरियंस रहे। लेकिन अगर ये मोटरसाइकिल पर अगर ये है तो सरकारी वाहन ही, और उसमें अगर आगे अगर मोटरसाइकिल में चालक है तो उसके पास तो कॉमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन ये नियम की अनदेखी से ही ये दूसरों के CPU है तो दूसरों के तो चालान काट रही है, लेकिन पुलिस जो है अपने ही विभाग में ये इतनी बड़ी अनदेखी कर रही है। इस पर मैंने ये मामला उठाया कि भाई अगर चालक है और 40 सरकारी नौकरी पे है और सरकारी तनख्वाह ड्राइवर की ले रहा है तो वो इसके अंदर ड्राइवर हो, क्योंकि पीछे उसके अधिकारी बैठे हुए हैं। तो मेरा कहने का ये है कि पहले तो इसे दुरुस्त किया जाए कि जो चालक है पहले इसके लाइसेंस होना चाहिए, इसके बाद कॉमर्शियल का। इसी मामले को मैंने उठाया, ये साबित ये किया है कि मैंने मुख्यालय से मांगी थी इसमें कि अगर कोई भी सरकारी वाहन अगर वो प्राइवेट में भी रजिस्टर्ड है तो उसके चालक के पास कौन सा लाइसेंस होना चाहिए। तो उनके द्वारा बताया गया कि चाहे भारी हल्के वाहन हो उसके पास चालक पे जो है कॉमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर पीछे अधिकारी कोई बैठा हुआ है और उसके आगे चाहे मोटरसाइकिल हो या 4-व्हीलर हो चाहे 6-6 टायर हो, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रिक चालक ही कहलाएगा क्योंकि अपना अधिकारी को ढो रहा है, तो उसके पास प्राइवेट लाइसेंस नहीं होना चाहिए, उसके पास कॉमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए। अगर ये नीति और पुलिस के पास अगर नीति है, मैंने मांगी थी तो पुलिस के पास कोई ऐसी नीति है नहीं। अगर पुलिस विभाग ने या सरकार ने कोई अगर ऐसी नीति बनाई होती कि भाई 2-व्हीलर पे जो बैठेगा चाहे प्राइवेट वाहन पे भी कोई सरकारी आदमी बैठेगा या कर्मचारी कोई बैठेगा और पीछे कोई अधिकारी बैठेगा तो उसके लिए कोई नीति बनाए, नीति इन्होंने कोई बनाई भी नहीं। तो इससे स्पष्ट है कि भाई वो तो चालक ही कहलाएगा और चालक के पास कॉमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए। उत्तराखंड की राजधानी में देहरादून में लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक दबाव को कम करने और सड़क हादसों में स्कूली बच्चों की हिफाजत के लिए उत्तराखंड पुलिस विभाग, परिवहन और शिक्षा विभाग के साथ मिलकर स्कूलों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, देहरादून शहर में एक पर्टिकुलर एरिया जहां स्कूलों का कंसंट्रेशन है, तो वो हमेशा जो है जो उसके स्कूल के ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम पे, छुट्टी के टाइम पे और शुरू के टाइम में जाम लगता है। तो हम प्रयास कर रहे हैं किसी तरह उस जाम को कम किया जाए। उस दिशा में 3-4 हमने कदम उठाने का सोच रहे हैं। इसमें हमने शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग, जिला अधिकारी, इन सबको भी ऑन बोर्ड लिया है और कोशिश कर रहे हैं कैसा सिस्टम बने जहाँ पे एक तो अधिक से अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज हो, स्कूल वाले अपनी स्कूल बसें चलाएं, जिन स्कूलों पे पार्किंग है वो गाड़ियाँ अंदर पार्किंग उपलब्ध कराएं
और कुछ सिटी बस भी ऐसी डेवलप करी जाए जो स्कूल स्पेशल हों, स्टूडेंट स्पेशल हों, जिससे जो छोटे बच्चों को चलाना पड़ता है अपनी स्कूटी वगैरह, वो सबसे छुट्टी मिल करके वो इसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सके। तो ये सब एक प्रयास चल रहा है, क्वायद चल रही है, जो मेरे ख्याल से एक हफ्ते के अंदर शेप ले लेगी।